नमस्कार, आज हमारे साथ सीलसी स्टूडियो में मौजूद हैं लीलावती राजगढ़ चूरू के रहने वाले संगम और आपके पिता श्री सुरेंद्र कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संगम की नीट 2019 में ऑल इंडिया लेवल पर 767 रैंक है, 655 मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। और बड़ी बात यह है कि ये स्कोर 12वीं के साथ है, 12th के साथ है, 12th में भी आपने बोर्ड में 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी लीलावती गांव का ये पहला डॉक्टर संगम बनने जा रहा है और एक अच्छे स्कोर के साथ बनने जा रहा है। आइए हम संगम से बात करते हैं। संगम, सबसे पहले तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं जो आज मुझे जो नीट में जो सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, इसका श्रेय मैं दो लोगों को देना चाहूंगा। एक तो जो सीएलसी परिवार जो हरदम मेरे साथ रहा, और एक मेरे पापा जो मेरे साथ एकदम एनी टाइम रहते थे रूम पे और मेरे साथ पूरे सेशन बिताया है। इन दो लोगों को मैं थैंक्स देना चाहूंगा जिससे आज मैं इस मुकाम हासिल किया है। चलिए संगम, साल भर की आपकी दिनचर्या क्या रही, आपका रूटीन क्या रहा, वो कौन सा प्रोसेस था जिससे होकर के आप गुजरे और इतने बड़े सफलता के मुकाम तक आप पहुंच गए? मैं कहना चाहूंगा कि सीएलसी में रह के आपको खुद का रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएलसी का रूटीन फॉलो कर लोगे ना, तो आप सक्सेस पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसा सीएलसी का रूटीन रहता था उसी तरह से मैं फॉलो करता था। मैं 12th में था तो मेरी शाम की क्लासेस रहती थी, तो जैसे सुबह मैं रूम पे पढ़ता था, सुबह मैं 6 बजे उठ जाता था, 6 से 12 मैं पढ़ाई करता था, फिर 12 से 1 मैं रेस्ट करता था, उसके बाद मैं खाना खा के 2 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, 2 बजे से 7-7:30 बजे तक हमारी क्लासेस लगती थी, उसके बाद में जैसे क्लासेस होती थी तो शाम को यहाँ पे असेंबली होती है, उस असेंबली को मैं ज्वाइन करता था, उसके बाद मैं घर पे जाता था, वापस से खाना खा के ना के पापा पूरा चीज रेडी रखते थे, जैसे मैं पहुंचता था तो उससे पहले ही खाना बना के रेडी रखते थे, मैं खाना खा लेता था वापस से ना लेता। अच्छा, मैं रुकना चाहूंगा, खाना रूम पर पापा बनाते थे? ये चलिए खाना रूम पर पापा बनाते थे, उसके बाद में मैं वापस से फ्रेश होकर शाम को जो 8 से 1 सीएलसी का जो कैंप लगता है उसको दोबारा ज्वाइन करता था और शाम को 1 बजे तक पढ़ाई करता था, उसके बाद दोबारा रूम पे जाता था, ऐसे रूटीन चलता था। चलिए संगम, ये तो आपकी दिनचर्या की बात होगी। सीएलसी के आपने चूंकि अपनी सफलता का श्रेय सीएलसी परिवार को दिया है, अपने पिताश्री को दिया है, सीएलसी के वो यूनिक फीचर्स जिनसे आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सीएलसी के यूनिक फीचर काउंटलेस हैं, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। सीएलसी अपने आप में ही एक यूनिक है। यहाँ पे आप आके अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें हर चीज नहीं मिलती है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यहाँ की है पेरेंटल केयर। यहाँ पे अगर आप हमने जैसे यहाँ पे एडमिशन करवाया, तो ये नहीं कि एडमिशन करवाने के बाद में कॉमर्स हो गया ये कि बच्चे जैसे बच्चे अलग हैं, सीएलसी अलग है। सीएलसी और जो स्टूडेंट है मिलके एक परिवार की तरह रहते हैं। बॉस है वो 2 मई तक, जब हमारा एग्जाम 5 मई को था, तो 2 मई तक हमारे साथ यहाँ पे बेसमेंट में हमारी मीटिंग की थी, हमें मोटिवेट किया था, मैंने सारे टेस्ट दिए थे। और सीएलसी एक सिस्टम की तरह रहता है, परिवार की तरह रहता है, पेरेंट्स को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सीएलसी जैसे बॉस है वो खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं बच्चे की, उसके बाद में पेरेंट्स को ये नहीं सोचना पड़ता कि हमारा बच्चा क्या करेगा। बॉस है खुद उसको मार्गदर्शन करते हैं और लास्ट में जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती तब तक उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। संगम कह रहे हैं सीएलसी परिवार और उसके डायरेक्टर हर बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल करते हैं, पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, फ्रंट पर रह करके लीड करते हैं, और यही वो चीज़ है जो बच्चों को सक्सेस तक लेकर के जाती है। संगम, हर कोचिंग का अपना एक रूटीन होता है, 6 आवर्स क्लासेज लगती हैं, डाउट काउंटर्स होते हैं, टेस्ट हर कोचिंग करवाती है, स्टडी मटेरियल भी लगभग हर कोचिंग का होता है, लेकिन सीएलसी की ये चीज़ें औरों से कैसे डिफरेंट हैं? चाहे क्लास की बात करें, चाहे डाउट काउंटर की बात करें, चाहे टेस्ट की क्वालिटी की बात करें, जो इस बार हर बच्चा कह रहा है और ये साबित भी हुआ है, क्योंकि ऐसा एक भी बच्चा नीट 2019 में सीएलसी की तरफ से सिलेक्टेड नहीं है जिसका यहाँ के एवरेज मार्क्स जो माइनर टेस्ट के चलते थे उससे नीट में स्कोर घटा हो, तो इन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि नीट का जो मेरा स्कोर था वो माइनर के एवरेज से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए मैं सीएलसी के टेस्ट को बहुत थैंक्स देना चाहूंगा। सीएलसी का मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। रूटीन तो हर कोचिंग का होता है, लेकिन सीएलसी का रूटीन टोटली डिफरेंट है। ये केवल स्टडी बेस्ड नहीं है, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे सुबह बच्चा उठता है तो जैसे मैथ्स में हम नाश्ता करते थे, उसके बाद में सुबह भी असेंबली रहती थी कभी कभी, और फिर रात को जैसे शाम को हर दिन असेंबली रहती है, जो कि और कहीं भी नहीं मिल
मिलती है, सारे बच्चे विजय ग्राउंड में बैठते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बॉस इंडिविजुअली हर बच्चे से मिलते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। फिर रात को जैसे और कोचिंगों का ये होता है कि 6 घंटे पढ़ाने के बाद में वो बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं कि आप पढ़ो खुद से, लेकिन सीएलसी ऐसा नहीं है। सीएलसी 24/7 आवर्स काम करता है, 24 आवर्स सीएलसी अपनी खुद की ड्यूटी मानता है कि मैं सीएलसी खुद ये समझते हैं कि मैं खुद अपने बच्चे के जैसे पूरी तरह से पेरेंटल केयर दूं। यहाँ पे सुबह उठते हैं हम और शाम को सोते हैं, तब तक हमें सीएलसी में कोई ना कोई हमें गाइड करने के लिए हमेशा रहता है। और ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि बॉस रात को 1 बजे तक हमारे साथ यहाँ पे रहते थे और हमें टोटली मोटिवेटेड रखते थे, हमारे को गाइड करते थे। चलिए संगत, आपके सीएलसी के माइनर टेस्ट में एवरेज मैंने अभी देखा था मार्कशीट में 493-494 मार्क्स चलता था, उसके बाद मेन एग्जाम में आपके 655 मार्क्स आए हैं, जो अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन है, बहुत बड़ी बात है। करीब 160 नंबर के लमसम आपने नंबर बढ़ाए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री में आपके आउट ऑफ 44 क्वेश्चन सही हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 180 में से 175 नंबर आपने प्राप्त किए हैं, ये सारा चमत्कार कैसे हुआ? ये जो चमत्कार है ना, इसका श्रेय मैं एक तो मेरे पापा को और एक बॉस को देना चाहूंगा। शुरू में जब हम रूम लेकर रहना स्टार्ट किया था, तब पापा कहते थे कि तेरे को सिर्फ सेलेक्ट होना है, तू सिर्फ 550 नंबर लिया जिससे कि तेरे मतलब कट ऑफ क्रॉस हो जाए और तेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन तब भी मैं सोचता था कि मैं अच्छा करूँ, लेकिन फिर बॉस जब सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो बॉस ने अपना जब काम चालू किया ना, वो हमें लगभग महीने में 1-2 बार हमेशा हमारे को इंडिविजुअली मिलते थे और हमारे जैसे ऑडिटोरियम में मीटिंग करते थे, हमें दिखाते थे कि पुराने बच्चों ने क्या किया है, हमें ग्रोथ कैसे करनी है। तो मेरे जो सपने थे ना, वो बढ़ने स्टार्ट हो गए कि नहीं मैं 550 नहीं 600 लाऊंगा, 600 नहीं 650 लाऊंगा, ऐसे मेरे सपने बढ़े। लेकिन मतलब माइनर में जो मेरा एवरेज है ना, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन मतलब डीमोटिवेशन तो कहीं था ही नहीं। तो मैंने पेपर एक भी नहीं छोड़ा। सीएलसी लगभग ना साल में 90-100 पेपर करवाता है हर बच्चे का, जो 12th फाउंडेशन करता है। तो मैंने पूरे सेशन में 88 पेपर दिए, एक भी पेपर मैंने छोड़ा नहीं। और हर पेपर के बाद जैसे उसका तो पेपर की जो क्वालिटी है ना सीएलसी की, वो अपने आप में अलग है। टीचर है ना, खुद बैठ के पेपर बनाता है, और मतलब पेपर लेके छोड़ने का नहीं है, अगले दिन क्लास में उसका पूरा सॉल्यूशन होता है, उसके डाउट्स डिस्कस किए जाते हैं, मतलब पेपर का एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है ऐसे। और सीएलसी का टेस्ट पेपर मतलब कंप्लीट होता है। और कोचिंगों में जैसे बच्चों से मैं बार बातें करता था, तो वो कहते थे कि टेस्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो आंसर की मिलती थी उसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन मैं अपना एक प्लस पॉइंट मानता हूं कि सीएलसी में हर चीज का अच्छे से सॉल्यूशन करवाया जाता है। और जो लास्ट में जो केमिस्ट्री की डीटीएस चली ना, वो तो इतनी शानदार थी कि उसके बाद में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि केमिस्ट्री को दोबारा रिवाइज करें। पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो गई थी एनसीईआरटी बेस्ड, टीचर्स ने इतने अच्छे पेपर बनाए और लास्ट में उनका सॉल्यूशन होता था हर दिन, तो बहुत ही अच्छा था। मतलब फिर मेरे को ऐसे टेंशन नहीं हुई कि मेरा सिलेक्शन का टेंशन नहीं रहा, फिर तो ऐसे था कि मार्क्स को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक बात। संगम ये कह रहे हैं कि मैंने जो 160 मार्क्स की ग्रोथ यहाँ के माइनर टेस्ट से मैंने एग्जाम में की, 175 मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स जो केमिस्ट्री में मैंने गेन किए, उसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो ये है कि यहाँ के टेस्ट पेपर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। टीचर्स हैंड रिटन क्वेश्चन देते हैं, खुद बैठ करके क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, टेस्ट होने के बाद मंडे को क्लास में उसका सॉल्यूशन होता है, और ये सारी चीजें हैं जो संगम को यहाँ तक लेकर के आई। संगम, आप अपने पूरी बात में ये कह रहे थे कि मेरी सफलता में मैंने तो मेहनत की ही, बॉस ने बहुत मेहनत की, मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, तो आपके सिलेक्शन के 3 पायदान हो गए, आप, बॉस और पापा। तो तीनों ने कितनी मेहनत की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा ने ज्यादा मेहनत की या बॉस ने ज्यादा मेहनत की या आपने ज्यादा मेहनत की, कितना आप रेशो बांटना चाहेंगे? मैं एक बात तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि बॉस है ना, एडमिशन लेने के बाद में बच्चे को बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, जो बेटा है हो या बेटी, मतलब खुद का जैसा बेटा है ना उसी तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसे मिसबिहेव नहीं है कि मतलब एक स्टूडेंट है स्टूडेंट की तरह नहीं, एक बेटे की तरह। मैं तीनों का जो रेशियो इक्वल डिवाइड करना चाहूंगा, तीनों ने पूरी साल है ना सीएलसी परिवार ने, पापा ने और मैंने मेहनत की थी, पूरे जैसे कैंप लिए रूटीनली। और बॉस का जो रोल है ना वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बॉस ने ना पूरी साल वो इतने बिजी रहते हैं फिर भी बच्चों के लिए हमेशा टाइम निकाल के रखते हैं, शाम की असेंबली वो कभी भी मिस नहीं करते हैं, और साथ ही साथ मतलब महीने में 1-2 बार तो है ना वो है ना
इंडिविजुअली बच्चों से है ना मीटिंग करते हैं, जैसे वो खुद नवरात्रा करते थे तो वो पूजा में बच्चों को बुलाते थे, वो खुद के चैम्बर में बुला के बच्चों से बात करते थे, किसी को कोई हॉस्टल में प्रॉब्लम होती है, कोई बाहर रहता है उसकी भी मदद करने के लिए बहुत हमेशा तैयार रहते थे। फिर सेकेंड पापा, पापा देखो एक तो बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया कि खुद का घर छोड़ के वो मेरे साथ आए पूरी साल। सेकेंड बात ये है कि मतलब वो हमेशा जैसे मैं सो के उठता था तो मेरे को टाइम पे खाना देना, टाइम पे सुलाना, टाइम पे सारी चीजें टाइम पे देते थे। वो साथ साथ में गाइड भी करते थे कि तुझे को ऐसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसे क्या करना है। और थर्ड मेरा तो मैंने तो बस इन दोनों को फॉलो किया और फिर ये रिजल्ट मिला। चलिए संगम, आप निसंदेह बहुत सारी नीट की तैयारी करने वाली प्रतिभाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह हैं, एक आदर्श की तरह हैं। आपके पिताजी ने, मित्रों कहते हैं कि हर सफलता एक सेक्रीफाइस मांगती है, एक कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी देने वाले पात्र अलग अलग हो सकते हैं। संगम के केस में सीएलसी ने और संगम ने खुद ने जो सेक्रीफाइस दिया उसके साथ साथ आपके पिताजी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। आप घर छोड़ करके संगम के साथ किराए के मकान में सीख कर रहे, खुद संगम के लिए खाना बनाना, कमरे की सफाई करना, टाइम पे सुलाना, टाइम पे जगाना, ये काम एक पिता ही कर सकता है। माँ अक्सर ये काम बहुत इजीली कर लेती है, लेकिन एक पिता, एक पुरुष ये काम करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं सर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साल भर आप बेटे के साथ किराए के मकान में रहे, एक पुरुष जब खाना बनाता है मुझे पता है कि कितना उसमें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद आज आपके मन में जो खुशी है उसको थोड़ा सा हमारे साथ साझा करें, क्योंकि संगम बड़ी सफलता लेकर के हमारे सामने आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में पहला डॉक्टर सीएलसी ने बनाया है। बस यही कहना है। चलिए, संगम के पिताजी कह रहे हैं कि मैं सीएलसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि संगम गांव का पहला डॉक्टर बना है और यही सीएलसी परिवार कर रहा है। 1996 में जब इस सपने के साथ शुरुआत की थी कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, आपका गांव भी उन हजारों गाँवों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहाँ से सीएलसी ने डॉक्टर्स तैयार किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।